एक बहुत ही खूबसूरत सुबह है। पेडल हमारे साथ ही है। और क्या आप रॉकेट से मिल चुके हैं? रॉकेट एक मोटरसाइकिल है और हेक्टर का बहुत अच्छा दोस्त है। हेक्टर ने जैसे पेडल को बनाया है, वैसे ही रॉकेट को भी। ओ नो, ये रास्ता तो बहुत ही खराब है। अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे? हेक्टर, क्या आप पेडल और रॉकेट की मदद कर सकते हो? हमें एक बुलडोजर की जरूरत होगी। पहले हम शुरू करेंगे चेसी से। हम लगाएंगे बुलडोजर की बॉडी। अब हम लगाएंगे ऊपर नीचे करने के लिए दो फ्रेम्स। अब आगे क्या जोड़ना होगा हेक्टर? बिल्कुल वही, दोनों तरफ दो दो पहिए लगाएंगे। क्या आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? पहियों को सुरक्षित रखने के लिए ये है विंग्स। दो मिरर लगाएंगे दोनों तरफ। हेक्टर, शायद हम कुछ और भूल रहे हैं। हमारे पास ट्रंक नहीं है, उसे ढूंढना होगा। चलो चलते हैं। हेक्टर, ट्रंक तुम्हारे पीछे है। और अब हमें ट्रंक को बुलडोजर से जोड़ना होगा। हेलो हेलो स्कूपर, क्या तुम रोड ठीक करने में हमारी मदद करोगे? स्कूपर, तुमने अपना काम अच्छा किया है। ओ डियर, ये रोड अभी तक नहीं बना है। हेक्टर, अब हमें एक कंक्रीट मिक्सर बनाना होगा। अब हम शुरू करेंगे चेसी से। फिर हम लेते हैं उसकी बॉडी। अब हम एक बढ़िया सा बम्पर लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है पहिए। एक पीले कलर की प्लेट लगाएंगे ट्रंक के मदद के लिए। अब हम जोड़ने जा रहे हैं एक मैजिक पार्ट और उसके लिए है एक बड़ी सी रिंग। बॉडी के ऊपर हम लगाते हैं रेड, ग्रीन और येलो लाइट्स। अब हम लगाएंगे दो तरफ एक एक मिरर। हेलो सीलर, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? तुम्हारा काम बहुत अच्छा था सीलर, थैंक यू। लेकिन रोड का काम करना अभी भी बाकी है, है ना पेडल? है ना रॉकेट? अब एक आखिरी काम बचा है रोड को ठीक होने में। हेक्टर, हमें अब एक रोड रोलर की जरूरत होगी। अब हमारे पास है विंग्स। विंग्स के नीचे लगेंगे ग्रे कलर के दो पहिए। दो मिरर लगेंगे दो साइड से। अब रोल को फिट करने के लिए हम लगाएंगे एक फ्रेम और उसके बाद हम लगाएंगे। पर हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला? नहीं, इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, तो ठीक है, अब हमें ये रोल लगाना चाहिए। ये हम लगाते हैं फ्रेम के बॉडी में। हाय स्क्वैश, क्या तुम रोड ठीक करने में हमारी मदद करोगे? हाँ।
बढ़िया स्क्वैश, तुमने ये कर दिखाया। पेडल रॉकेट, ये देखो अब जाने के लिए ये रोड तैयार हो गया है। थैंक यू हेक्टर, फिर मिलेंगे। व्हीलर को आज कुछ बड़े बॉक्स हुक ने डिलीवर किए हैं। थैंक यू हुक। अब व्हीलर को वो बॉक्स अपने गैराज में रखना जरूरी है। ये तो आसान होगा, अब व्हीलर को बस यही करना होगा। ये तो बहुत भारी है। मुझे लगता है कि हेक्टर के मदद की जरूरत है। हाय हेक्टर, शायद बॉक्स ज्यादा भारी होंगे, व्हीलर की अब कैसे मदद की जाए। और हेक्टर ने सोचा हमें रेंज लिफ्ट की मदद लेनी होगी, तो हेक्टर चला गया। आइए सभी पार्ट्स को संभल कर ट्रॉली में रखे और वापस काम पर जाए। ठीक है, तो अब हमें इसे जोड़ने की जरूरत है ना? सबसे पहले हम बॉडी से शुरू करते हैं, फिर हम बम्पर लगाएंगे। यदि आप बम्प करें तो ये है बम। आगे हमारे पास विंग्स है, दो लगेंगे एक तरफ और बाकी दो दूसरी तरफ। और अब हमारे पास पहिए हैं, दोनों तरफ दो दो लगते हैं। ये दोनों साइड के मिरर है, बहुत जरूरी है। और हमें रेज की कैप भी लगानी होगी धूप से बचने के लिए। अब हम रेजेस फोर्क लगाते हैं और रेज अब रेजेस बन गया। हाय रेज। ठीक है, चलो अब उन बॉक्सेस को उठाकर गैरेज में रख ले। ये इससे हमें बॉक्स रखने में काफी मदद मिली। रेंज की ताकत और उसके स्पेशल फोर्क के बिना बॉक्स अभी भी सड़क पर रहते, ये अच्छा नहीं होता। थैंक यू रेज। और आपको भी थैंक यू हेक्टर, अगली बार जरूर मिलेंगे। बाय बाय। हे, ये है हेक्टर, ये है रेज। हाय रेज, तुम्हारा घर बहुत ही अच्छा है, हेक्टर ने कहा। ये घर तो बहुत सुंदर है। सुपर रैपिडो, आपके रैपिडो रेंचो हाउस ओ की तरह है। और एक सुंदर घर में हुक भी रहता है, और ये भी बहुत अच्छा घर है। हेक्टर की आंखें भर आती है। मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, ऐसा क्यों है? हो, मुझे पता है मैं दुखी क्यों हूँ। मुझे हमेशा के लिए एक सुंदर घर बनाना चाहिए, मुझे यही करना है। अरे हाँ, तो चलो। तो हेक्टर उन टुकड़ों को लेने के लिए निकल गया जिनकी घर बनाने के लिए जरूरत थी। रेज ने हेक्टर की मदद की। थैंक यू रेज, ये बहुत बड़ी मदद होगी। आइए इन हिस्सों को ट्रॉली पर रखें और घर बनाने के लिए चल पड़े। रोल आउट हेक्टर, रोल आउट हेक्टर, रोल आउट हेक्टर, रोल आउट हेक्टर। आइए हमेशा के लिए सुंदर घर बनाए। अब हेक्टर को नया घर बनाने के लिए जरूरत होगी फ्रेम की। अब आगे उसे जरूरत है छत की, और अब खिड़कियां और दरवाजे। अब वहां खंबे जोड़े, बहुत ही स्टाइलिश। ये चारों तरफ लगेंगे जो छत के लिए मदद करेंगे। और अब खिड़कियां और दरवाजे लगाते हैं। अब पिकेट फेंस लगाते हैं। इस प्रकार के गेट को पिकेट फेंस कहा जाता है। और अब हमें एक लिफ्ट चाहिए। हमारे पास हेक्टर के घर के लिए एक बहुत बड़ी हेड भी होनी चाहिए। और आखिर में हेक्टर का लोगो। हेक्टर, अब हेक्टर का हमेशा के लिए एक घर है। गो हेक्टर, गो हेक्टर, गो होम। मुझे माफ करे, हेक्टर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए, मैं यही रहना पसंद करूंगा। बाय। ओ देखो, रॉकेट बैंक चला गया है, उसे आज कुछ काम है। पैडल बाहर उसका इंतजार कर रहा है। और ओ,
इतनी तेजी से कौन जा रहा है? ओ, ये चोरी करने वाला है। ओ, मुझे लगता है ये आज बड़ी शरारत करेगा। क्या ये यहाँ बैंक लूटने आया है? ओ, देखो इसे, मुझे पैसे दो, चोर कहता है। रॉकेट अब बहुत डरा हुआ और गुस्से में है, और पेडल भी कुछ ऐसा ही है। हमें पुलिस कार चाहिए, शानदार रैपिडो। शायद हेक्टर मदद कर सकता है। हेक्टर, शरारती बैंक लुटेरा बैंक लूट रहा है, और हमें रैपिडो पुलिस कार की जरूरत है जो आकर उसे रोके। थैंक यू। हेक्टर अपने पीछे की तरफ से आ रहा है ताकि हम रैपिडो के सभी हिस्सों को ट्रॉली पर ले जा सके। तो हम चले, और हम चले। गो हेक्टर, गो हेक्टर। चलो उस शरारती चोर को पकड़े। रैपिडो को असेंबल करने के लिए हम बॉडी से शुरुआत करते हैं, फिर हम बम्पर लगाते हैं। सभी पुलिस कार को एक अच्छे बम्पर की जरूरत होती है। बम्प। फिर हम चार व्हील्स जोड़ते हैं, दो एक तरफ और दो दूसरी तरफ। अब दो विंग मिरर लगाते हैं, टंकलिंग, और दो हेडलाइट्स, और अब एक सुंदर सा पुलिस का सायरन। हेलो रैपिडो, चोरी करने वाला चोर बैंक में है और रॉकेट भी वहाँ पर है। ओ, आप पहले से ही जानते हैं, उसे पकड़ते हैं। भागने की कोशिश मत करना चोर। चोरी करना बंद करो, बैंक लूटना कानून के खिलाफ है, रैपिडो ने कहा। मैं यहाँ हूँ, चोर ने कहा। किसे पता था? रॉकेट अब खुश है, रैपिडो ने इस मुश्किल स्थिति में मदद की, और वो लोग चले गए हाथों में हथकड़ी लगाकर। थैंक यू रैपिडो, आप बहुत बहादुर हो। और आपको भी थैंक यू हेक्टर, हम आपके बिना ये सब नहीं कर पाते। ये एक बहुत अच्छी मॉर्निंग है, सभी बच्चे ग्राउंड में आते रहे हैं। चेक, वो लोग आज बहुत मस्ती कर रहे हैं। अरे रुको, मगर ऐसा नहीं है, सिर्फ इसे छोड़कर। हेक्टर यहाँ से गुजर रहा है और बच्चों ने उसे देखा। हेक्टर वहीं पर रुक जाता है। वहाँ पर क्या चल रहा है ये देखने हेक्टर उनके पास चला जाता है। उन बच्चों को आज कोई नया खेल खेलना है, इसीलिए उन बच्चों ने आज हेक्टर की मदद ली। हेक्टर सोच रहा है और सोच रहा है, सोच रहा है, और हेक्टर को आइडिया मिल चुकी है। ये अब हेक्टर वहाँ से निकल चुका है बाउंसी कैसल बनाने के लिए। शायद आपको पता होगा कि बाउंसी कैसल रबर से बना होता है और उसमें हवा भरी जाती है ताकि वो बलून की तरह दिख सके, और आप उस पर जोर जोर से कूदकर बहुत बढ़िया मजा ले सकते हैं। हेक्टर वहाँ से निकल चुका है और अब ग्राउंड में पहुँचने वाला है। बच्चों को वो गेम दिखाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। उसी वक्त हेक्टर लेके आता है एक बाउंसी कैसल। बाउंसी कैसल ये क्या नया है, और उसे देखने के लिए बच्चे बहुत ही एक्साइटेड है। अब बनाते हैं एक बाउंसी कैसल। पहले हमें एक बाउंसी कैसल की जरूरत है, और अब हम लेंगे एयर कंप्रेसर, और उन दोनों को जोड़ने के लिए लेते हैं एक पाइप। एक पाइप को हम जॉइंट करेंगे एयर कंप्रेसर से, और उसकी दूसरी साइड बाउंसी कैसल से। एयर कंप्रेसर की मदद से अब हम बनाएंगे बाउंसी कैसल। टडा, बन गया बाउंसी कैसल। और अब सब बच्चे बाउंसी कैसल में जाके बहुत ही मजे करते हैं, और हेक्टर ने भी उनके साथ बहुत मजे किए। और बाउंस, और बाउंस, और बाउंस, और बाउंस,